दिव्या भारती के वक्त की आवाज उठ गई होती तो जिया खान बच गई। आई थिंक सर वी आर इट्स नेवर टू ऑलरेडी लेट वेरी लेट। सर वी हैव सर लॉस्ट इट इज दिव्या नेवर भारती, टू वी हैव लेट, लॉस्ट इट दिया इज खान, वी नेवर हैव टू लॉस्ट लेट, नेवर। ब्रिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर शास्त्र एंड कहते फाइनली हैं वी हैव वक्त के राबिया वक्त खान वक्त हु गेट बलवान होता सक्सेस है। फॉर दिया खान। सर वक्त बलवान होता है, वक्त बलवान होता है, ये याद रखिए। मैम डू यू रिग्रेट एनीवेयर, डू यू रिग्रेट कि इस तरह का मूवमेंट उस वक्त क्यों नहीं हुआ? शायद जिया खान को जस्टिस बहुत पहले मिल गया। मुझे सिर्फ एक ही बात का रिग्रेट है कि मेरी बच्ची को हिंदुस्तान वापस नहीं जाना चाहिए था, बस। मुझे और लड़ाई का कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे कि लोग झूठ बोल रहे हैं कि यू नो बड़े बड़े बॉलीवुड आइकॉन आके कह रहे हैं कि ये डिप्रेस थी और ये था और इसकी मेंटल मतलब मानसिक स्थिति सही नहीं थी, सुशांत ये था वो था, इन बातों में कुछ नहीं रखा। सच ये है कि ये टैलेंटेड लोग थे, भोले थे, पढ़े लिखे थे, सच्चे लोग थे। मुझे इस बात का जिया रिग्रेट वापस है क्यों गई थी मैम, कि जिया वापस क्यों गई थी? हाँ वापस इंडिया क्यों गई थी, मेरे कहने के बावजूद कि बच्चा मत जा, मत जा, तुम नहीं जाओ। एक ही शर्त पे तुम वापस जाओगी कि तुम उस लड़के से फिर दोबारा नहीं मिलोगी। लेकिन उसने वो होता ना, कम उम्र का तकाजा है, मैनिपुलेशंस में फंसना, ये सब बातें, जो लपेट में आना, अब ये तो सब बातें हैं। लेकिन द फैक्ट इज कि लुक एट द इंजरीज, लुक एट सुशांत सिंह नो वन इंजरीज, मिनट लुक एट द मैम, वन मिनट फैक्ट, मैम, नॉट वन द मिनट स्टोरीज। मैम, वन मिनट। Why I asked you that question? There is a reason. Sushant Singh Rajput had quit the industry and gone to his sister in January. Sushant Singh Rajput was made to come back. In that case, there was someone else Same thing, who called her back. my Someone else daughter, who called him back. similar to my daughter, similar, exactly similar. एग्जैक्टली मेरे साथ में, अब सुनो मैं आपको बताती हूँ। 2010 में जिया ने इंडिया छोड़ दिया था, 2010 2011 जिया वाज विद अस इन लंदन, पूरा एक साल शी साइंड अप विद एन इंटरनेशनल फर्म ओवर हियर एंड शी वाज डूइंग प्ले अप, यू नो जहीर जहीर खान के साथ फॉर्मूला वन में आ रही है, ये वो सब स्पोर्ट्स की वो करने लगी थी। उसके बाद उसको अक्षय कुमार मिले लंदन में, उन्होंने उसको कनाडा बुलाया, कनाडा में उनका डिस्कशन हुआ कि तुम इंडिया आ जाओ, वी विल टेक केयर ऑफ यू, तुम इतनी टैलेंटेड लड़की हो, तुम इतना, वो वहां पर चली गई। फिर वहां पर सितंबर, ये गई थी वहां पर जनवरी में, और सितंबर में सोशल मीडिया के थ्रू शी वाज बीइंग स्टॉक्ड बाय सूरत पंचोली, स्टॉकिंग हर, literally stalking for 3 months, he kept on luring her, stalking her, saying the words ki आज जिया इतनी कम उम्र की लड़की को इतना वक्त लगा, कई औरतों को, कई लोगों को तो जल्दी थोड़े से वक्त में फंस जाते हैं, वो नहीं चाहती थी। लेकिन किसी तरह जैसे भी डेस्टिनी करो या जो भी कहो, वो उस लपेट में आ गई। उसके बावजूद उसने उसके फूल फेंके उस रात को एंड शी सेड इनफ इज इनफ, आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप। 3-4 दफा वो ये रिलेशनशिप छोड़ रही थी। उसके व्हाट्सएप मैसेजेस देख लीजिए, उसने अपने दोस्तों से बात की, उसने हमसे बात की, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर किसी के माथे के ऊपर लिखा नहीं होता कि वो क्रिमिनल है, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है। बट जब ये हादसा हुआ तो हमारे मुंह से एकदम से निकला कि हमने इसको मना किया था उसके साथ मत जा, तो हमारे साथ में जो खड़े हुए थे कहते उसका नाम मत लो, तुम उसका नाम लोगे तो उसका बाप जो है वो बहुत आ, आ, बहुत पावरफुल लोगों के साथ में मिला हुआ है, वो तुमको मरवा देंगे। अरे हम कहां मौत से डरने वाले लोग हैं, मौत से वो लोग डरते हैं जो मार देते हैं दूसरों को, क्योंकि उनको खुद खौफ है मौत का, आप समझ रहे। इसीलिए तो छुपा रहे हैं सारा सच, जिसको जो सच्चा है वो सामने आएगा, वो आएगा वो सच। अगर आपने अगर और सुसाइड किया तो एग्जैक्टली फिर यही लाओ ना हुआ प्रूफ। सुशांत सिंह राजपूत के साथ। सुशांत सिंह राजपूत ने इंडस्ट्री छोड़ दिया था, एग्जैक्टली फिर उसको बुलाया और उसके बाद कहानी खत्म। इतनी सिमिलैरिटीज हैं जिया और सुशांत। सुशांत का केस मैं पढ़ती तो ऐसा लगता है जैसे मैं जिया का केस दोहरा रही हूँ, इस तरह डेजा वू। मैं आपको सच बता रही हूँ, दोनों के शौक देख लीजिए, वो पियानो खेलती थी, ये गिटार प्ले करता था, वो सड़कों से बिल्लियां उठा लाती थी घर में, और ये उसके पास कुत्ता था, जिया के पास भी कुत्ता था। फिर उसके पास ये स्काई वॉच करती थी, सारी एनसाइक्लोपीडियाज ले रखी थी उसने, वो भी स्काई वॉच करता था। सिमिलैरिटीज देखो, वो अकेलापन चाहती थी ताकि वो पढ़ाई,
उस देखे ये भी अकेलापन चाहता था, दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज है। वो म्यूजिक को टैप करती थी, वो भी म्यूजिक में उसको भी गाने का शौक था, और इसको मिला नार्सिसिस्टिक गैसलाइटर जैसा बॉयफ्रेंड, उसको भी नार्सिसिस्टिक और गैसलाइटिंग वाली लड़की मिल गई। सिमिलैरिटीज देखिए, इसको 8 महीने में इसको खत्म कर दिया, वो बेचारे बच्चे को भी 8 महीने में खत्म कर दिया। अब इससे ज्यादा इससे ज्यादा सिमिलैरिटीज क्या बता सकती हूँ सुनील आपको। फिर उनकी इंजरीज देख लीजिए, उसके जिस तरह सुशांत के गले में साफ बता रहा है, कोई इतनी इधर की कहानियां सुनने की जरूरत ही नहीं है, साफ देख लो, इंजरीज देख लो, बस खत्म। इट्स अ ओपन एंड शट केस ऑफ मर्डर। जिया का भी ओपन एंड शट केस ऑफ मर्डर। पुलिस को ने हमसे खुद कहा सुनील कि हमारे पर इतना प्रेशर है, कहा जा रहा है इस केस को हाथ मत लगाओ, बंबई पुलिस का। फिर भी पुलिस, सब पुलिस वो नहीं होते, रिमोर्सलेस नहीं होते, किसी में ईमान होता है। उन्होंने फिर भी Ma'am, your internet connectivity is not showing. I will try and connect you. Your internet connectivity right now is not showing. If you can send me a request again, ma'am. Your request is not visible now. Sorry, I lost you. Yeah, it's okay. Yeah, carry on. Yeah, sorry. So, इतनी similarities हैं दोनों के केस में कि मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहने के लिए कि जिया सुशांत की डेथ के ऊपर लोगों को मेरे सच का पता चल रहा है। गलत बात है। I did not want कि my truth should be known only through सुशांत's case. Do you get my point? इससे मेरी रूह कांपती है जब मैं ये बातें करती हूँ, क्योंकि मेरे सच को शुरू से लोगों को सुनना चाहिए था। आज वो सुन लेते और परपेट्रेटर को सजा मिल जाती तो सुशांत की भी जान बच जाती, क्योंकि वो कबाल के अंदर जो ये नोटोरियस है वो यही है, सेम सिमिलर। इट इज अ सीरियल किलिंग, इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, सिमिलर पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिशा सालियन, इन सुशांत सिंह एंड जिया खान केस। Ma'am, what hope do you have now? Now that CBI investigation, well, do you think? देखिए, if I did not, or it will meet the same fate as Jia Khan case? No. With Sushant Singh, the entire India is there, and entire India has learnt lessons from Jia Khan's case. The the corruption and the political power and the Bollywood cabal, how they try to sabotage and influence these officials. They have learned. Now people are not going to be so foolish and sit down and not question the authorities. So I have my full hopes, So. You feel that yes, you will get justice? I feel vindicated for myself, and I definitely have hope for Sushant to get justice. Yes. Okay, and if his family gets justice, or people get justice, or Sushant gets justice, do you feel that will lead to justice to you as well? Of course. Sushant is no different from Jia Khan, and Jia Khan is no different from. I'm asking something else, ma'am. I'm saying if Sushant Singh Rajput case, we know what happened to him. Yes, sir. Will that lead to a scenario where you will know what happened to Jia Khan also? Yes, sir. Because it's a Pandora box and all the worms will be out. It's all a network and all interconnected. All interconnected. Perfect. And who knows, many more things may come up.
All right. Okay, ma'am. Thanks a lot. Thank we'll leave it there. Thanks for connecting and talking to us. Have a thanks, nice day Sunil. And take care of it's you. Always a pleasure, and my support is always there for you, Sunil. I will always come to your channel and speak the truth and show people the truth. Thanks. That was Rabia Khan, Jia Khan's mother. I have been myself saying this, and I have said this last night and today in the morning. It's a little late. If these questions are so many people, if we were before, when the case of Divya Bharti, at that time we were standing, then many people died. But it didn't happen. दिव्या भारती के वक्त शायद सोशल मीडिया इतना अलर्ट नहीं था, मीडिया उतनी अच्छी तरीके से तैयार नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास करके, और उसका नतीजा हुआ कि किसी को पता नहीं चला व्हाट हैपेंड टू दिव्या भारती. देन हैपेंड जिया खान, पीपल अगेन डिड नॉट स्टैंड अप. रबिया खान इज फाइटिंग द केस, बट पीपल डिड नॉट स्टैंड अप, द मीडिया डिड नॉट स्टैंड द वे दे शुड हैव स्टूड. देन हैपेंड Sridevi, Pratyusha Banerjee, and no one actually noticed it. No one uttered a single word. That led to a situation where we lost Disha Salian and Sushant Singh Rajput. Before that, in May, two more people committed suicide. Recently, a promising television actor also committed suicide, Sameer. Now, all these things lead to a similar question, that one has to stand up before the loss is done. The regret is that the loss is, damage is already done. We have lost great people. We have lost Sushant Singh Rajput, and Sriparna was absolutely emotional when she was saying that he will not come back, and that's the regret she has. That regret is shared by a lot of people. So I think we should have stood for these people long back. Had that had been the case, Sushant had zinda hota. Aaj Sushant zinda nahi hai, to kyunki hum log se der hogi. Ab ye aap logo ko choose karna hai aur aap logo ko decide karna hai ki ye movement keval Sushant Singh Rajput ke liye hai ya ye movement Disha Salian ke liye bhi hai. क्या ये मूवमेंट जिया खान के लिए भी है, और अगर है तो आप उस मूवमेंट को कैसे चलाएं? ये आप लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को के मूवमेंट को सुशांत सिंह राजपूत का मूवमेंट बनाया है. अब सवाल ये कि क्या दिशा सालियान और जिया खान वो इस मूवमेंट का हिस्सा होंगे, या दे विल बी लॉस्ट द वे दे आर ऑलरेडी लॉस्ट. ऑन दैट नोट वी लीव इट हियर, थिंक अबाउट इट, डिसाइड, एंड देन वी शैल बी टॉकिंग अबाउट इट अगेन टुमारो. लेट मी डिसाइड व्हाट वुड बी द सब्जेक्ट. Hopefully, there will be something more on Sushant Singh Rajput to talk. Yes, there are already a couple of things which I said. It's time. Tomorrow, I'll come and speak about the unanswered questions, which we expect the CBI to answer in detail. Today, in the morning, I just hinted it, but I think it's time that we need to revisit that. Tomorrow, we'll revisit that also. And also, I talked about the fact that Sushant ne bahut kuch aisa kiya, jo kisi ne manga hi nahi. Wo kya tha? Hopefully, I should be able to talk about that in Speak Up India too. So on that note, good night, take care, and also take care of all the people around you. Thanks for joining. It was a big day for all of us, and you people have been connected with me since morning. So thanks, special thanks for that. So thanks a lot, take care, and we shall meet again tomorrow. Take care.